हेलो, वेलकम इन की स्टडी 1024। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। और इसके अलावा जो बाकी के पार्ट्स हैं जो मैंने अब तक अपलोड किए हैं, उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर जो आई बटन होता है यहाँ पर भी आपको कुछ पार्ट्स मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मतलब कि एक ट्रेन है जो कि 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान चाल, मतलब उसकी जो चाल है वो बदलती नहीं है, ठीक है, एक समान रहती है हमेशा। लेकिन इसके बाद हमसे बोला गया कि अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती पहले से, तो इस बार उसे वही सेम डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा कम लगता। हमें बताना है कि उसकी स्पीड कितनी है। स्पीड का मतलब जो पहले वाली स्पीड थी जब हमने बढ़ाया नहीं था, ठीक है, तब जो उसकी स्पीड थी वो कितनी थी। तो देखिए, यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो है 360 किलोमीटर का। मान लेते हैं कि जो उसकी शुरुआत में स्पीड थी, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, वो थी एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो टाइम होता है उसका फॉर्मूला आता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। ठीक है, तो देखिए 360 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है, और शुरुआत में उसकी स्पीड कितनी है, एक्स है। तो शुरुआत में जो टाइम लगा, ठीक है, उसको मैं टी वन बोल दूंगा, तो टी वन की वैल्यू कितनी आएगी, ऊपर आएगा डिस्टेंस जो कि हमारे पास है 360, और नीचे आएगी स्पीड। स्पीड हमारे पास कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो टाइम आएगा किस में आएगा, आवर्स में आएगा, ठीक है, घंटे में। तो ये टी वन निकल गया हमारे पास, इसको हम चाहे तो इक्वेशन वन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर वन। अब इसके बाद हमसे बोला गया कि उसकी स्पीड जो है वो पहले से 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा कर दी जाती है, तो हम कह सकते हैं कि जो उसकी न्यू स्पीड होगी, ठीक है, ट्रेन की जो न्यू स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, पहले से 5 ज्यादा, पहले एक्स किलोमीटर पर आवर थी, अब उससे 5 ज्यादा हो गई, यानी एक्स प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो गई उसकी न्यू स्पीड। ठीक है, अब जो नया टाइम लगेगा, देखिए टाइम का फॉर्मूला तो ये रहेगा डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, तो जो नया टाइम लगेगा उसको मैं टी टू बोल दे रहा हूँ। ठीक है, इस बार जो टाइम लगा, डिस्टेंस तो सेम है क्योंकि इस बार भी उसे वो सेम डिस्टेंस कवर करना है, मतलब 360 पहले था तो ये अभी भी वही रहेगा, लेकिन इस बार स्पीड चेंज हो गई है। पहले स्पीड एक्स थी, अब स्पीड एक्स प्लस 5 हो गई है क्योंकि 5 ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो जो टी टू आ गया वो 360 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 आवर्स का आ गया। ठीक है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर टू। अब देखिए, यहाँ पर हमें एक बात बताई गई है कि जो बाद में टाइम लगा है, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा हो गई थी तो टाइम कितना लगेगा, 1 घंटा कम लगेगा। मतलब कि जो टी टू है ये टी वन से 1 घंटा कम है, क्योंकि इसमें स्पीड ज्यादा थी और जल्दी कवर कर लेगा। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि जिसमें डिनोमिनेटर, जो फ्रैक्शन होती है उसमें डिनोमिनेटर जो होता है जिसका बड़ा होता है वो पूरी फ्रैक्शन छोटी होती है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर एक्स है, यहाँ पर डिनोमिनेटर एक्स प्लस 5 है, मतलब इसका आंसर कम आएगा। तो जाहिर सी बात है ये 1 घंटा कम होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। तो मतलब क्या है, मैं कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं जो मेरे पास टी वन है, ठीक है, उसमें से मैं टी टू घटाऊं तो मुझे 1 आवर मिलेगा, क्योंकि जो टी वन है वो टी टू से 1 घंटा ज्यादा है, या फिर टी टू जो है वो टी वन से 1 घंटा कम है। आप कैसे भी सोच लो, ठीक है, टी टू क्या है, टी वन से 1 घंटा कम है, लेस है, इसका मतलब टी वन माइनस टी टू जो है वो 1 आवर आएगा। अब हमें करना क्या है, बस हमें टी वन की वैल्यू और टी टू की वैल्यू पुट करनी है और उसको सोल्व करना है। टी वन की वैल्यू क्या है, 360 डिवाइड बाई एक्स, तो टी वन की जगह मैं लिख दिया 360 डिवाइड बाई एक्स, माइनस में टी टू, टी टू की वैल्यू क्या है, 360 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 360 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1 है, 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व कैसे करोगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो नीचे जो भी है यानी कि एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5, और ये एक्स प्लस 5 360 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 360 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस 5। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया माइनस, और जो ये 360 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे यानी एक्स से, तो ये जाएगा 360x बराबर में जो भी है आप उसको वैसे ही लिख दो। तो अब देखिए, आप क्या करोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे, 360 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360x। फिर यहाँ पर 360 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 इंटू 0 0 हो गया, 5 6 जा 30 का 0 हुआ, कैरी हुआ 3, 5 3 जा 15 और 3 कितना हो गया 18, माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 360x, और डिवाइड बाई कितना, यहाँ पे देखिए एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इंटू में 5 कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू कितना बचा हुआ है, 1।
तो यहाँ पे देखिए ये माइनस का 360x, ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा 1800, ठीक है, ऊपर क्या बच जाएगा, 1800 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, ये इधर जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर तो 1 से मल्टीप्लाई होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5x। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ यहाँ पे जीरो रहने देंगे, जीरो यहाँ पे रहने दिया, और सब कुछ उस तरफ ले जाएंगे, तो वहां पे पहले से एक्स स्क्वायर प्लस में 5x है, जो 1800 है उधर जाएगा माइनस में। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम किसी भी मेथड से, जो भी हमें आसान लगता है उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको कर रहा हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आती होगी, देखिए यहाँ पे 1800 है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, फिर से 1800। मतलब हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करके 1800 आता हो, और यहाँ पे अगर माइनस है तो उनको माइनस करके कितना आता हो, 5। अगर आप डायरेक्ट सोच पाए, वैसे डायरेक्ट यहाँ पे सोचा नहीं जाएगा, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो 1800 आया है इसको पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लोगे। तो यहाँ पे 2 से करोगे 2 9 जा, ठीक है, जीरो लगा दिया, फिर 2 से करोगे 2 4 जा 8, यहाँ पे 8 कट गया तो 1 बचा, 1 के आगे 0 यानी 10, 2 5 जा 10, फिर 1 0, फिर यहाँ से 2 से करोगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, 1 के आगे 0 यानी 10, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे देखिए 3 से हो जाएगा 5 4 2 7, 7 और 2 9, इन डिजिट्स को जोड़ के 9 आ रहा है, जो कि 3 के पहाड़े में आता है, तो मतलब ये नंबर भी 3 के पहाड़े में आएगा। 3 7 जा 21, 22 में से 21 गया 1 बचा, 1 के आगे 5 यानी 15, 3 5 जा 15, फिर से 3 से हो जाएगा, 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, और यहाँ पे 1 बचा और 5 यानी 15, 3 5 जा 15, फिर से 5 से होगा 5 5 जा 25, और फिर ये 5 से होगा 5 1 जा 5। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सारे नंबर्स को दो ग्रुप में बांट देना है जिनसे दो नंबर बनेंगे, और उन दोनों नंबरों को, ठीक है, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 1800, और माइनस करके कितना आना चाहिए, 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करके तो हमेशा 1800 ही आएगा, वो हमें चेक नहीं करना, क्योंकि इसी के हमने फैक्टर निकालने हैं, तो वो तो आएगा ही, बस हमें क्या देखना है कि ये माइनस करके 5 कब आता है। तो यहाँ पे है कि आपको तुक्का लगाना होता है, जरूरी नहीं कि आपको पहली बार में मिल जाए। जैसे कि मान लीजिए मैं एक साथ पहले ले लेता हूँ इन तीनों को, ठीक है, इन तीनों नंबर को मैंने एक साथ ले लिया, और इन सबको एक साथ ले लिया, तो यहाँ से देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा कितना हो जाएगा, 12 2 जा हो जाएगा 24, यहाँ पे 24 आएगा, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, देखिए इनमें से इसको घटा के 5 नहीं आता है, तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसे हम बार बार तुक्का लगाते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप कोई दूसरा तुक्का लगाओगे, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं इन तीनों को ले लूँ, ठीक है, यहाँ से लेके इसको, इसको और इसको, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, और जो बाकी बच गए, मतलब ये और ये वाला 5, ठीक है, कितना आ जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 ये 5 जा कितना हो गया, 40। तो इन दोनों को देखिए डिफरेंस कितना है, 5 है, 45 में से 40 जाएगा, 5 बच जाएगा, तो ऐसे हमें पता लग गया। अब जैसे मैंने तो दूसरी बार में निकाल लिया क्योंकि मुझे पहले से आंसर पता था, लेकिन हो सकता है पेपर में आपको ऐसे कई बार तुक्का लगाना पड़े, तो डरने की कोई बात नहीं है, इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करते हैं, मतलब हम तुक्का लगाते हैं बार बार कि किनका हम ऐसे जोड़ा बनाए हमें वो चीज़ मिल जाए जो हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ पे माइनस था तो मतलब इन दोनों को माइनस करके 5 आना चाहिए था, तो कितना मिल गया, 45 और 40। लेकिन देखिए यहाँ पे होता क्या है, अगर ये माइनस है यहाँ पे तो इन दोनों के निशान अलग अलग होते हैं, और इनमें से बड़े वाले के पास वो निशान होता है जो बीच वाले के पास है, तो बीच वाले के पास यानी प्लस है, तो इनमें से बड़ा कौन है, 45, मतलब 45 प्लस का होगा, 40 माइनस का होगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 45 किसका होगा, प्लस का, मतलब प्लस 45x, और 40 किसका होगा, माइनस का, मतलब माइनस में आएगा 40x, और माइनस में कितना आ जाएगा, 1800। तो 0 इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर में से एक एक्स गया, एक्स बचा, प्लस 45x में से एक्स बाहर आ चुका है, कितना बचा, 45। अब यहाँ से माइनस है तो माइनस कॉमन लोगे, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, देखिए अब यहाँ पे थोड़ी सोचना अगर मुश्किल हो रहा है कि यहाँ से क्या कॉमन लें, क्योंकि हमें इतने बड़े नंबर्स में ऐसे टेबल नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ी फायदा उठाएंगे इस चीज़ का कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं, यहाँ वाली चीज़ यहाँ वाली सेम के बराबर होती है, तो एक्स प्लस 45 है तो यहाँ भी एक्स प्लस 45 ही बचेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या कॉमन लिया होगा हमें आसानी से पता लग जाएगा, कैसे, देखिए माइनस 40x था, माइनस तो यहाँ आ चुका है, एक्स यहाँ बचा हुआ है, मतलब ये 40 कहाँ गया, 40 ही कॉमन आया होगा, ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, नहीं तो अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे भी सोच लो। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था इसलिए निशान बदल जाएंगे, यहाँ पे 40x के पहले माइनस था लेकिन x के पहले प्लस आ गया, इसके पहले माइनस था लेकिन अब यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो ये चीज़ क्या हो गई, प्लस हो गई, तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 45, एक्स प्लस 45 कॉमन आएगा, एक्स प्लस 45, अब यहाँ से ये चीज़ कॉमन आ गई तो यहाँ क्या बचा हुआ है, एक्स, ठीक है, और यहाँ क्या बचा हुआ है, माइनस में 40। तो अब देखिए दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, 0, इसका मतलब है या तो x प्लस 45 की वैल्यू 0 रही हो या फिर,
जो यहाँ पे x माइनस 40 है इसकी वैल्यू 0 रही होगी। तो यहाँ से x निकालेंगे तो माइनस 45 आ जाएगा, और यहाँ से अगर x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 40। अब देखिए जो x था वो क्या था, x थी स्पीड ट्रेन की। तो हमें पता है कि स्पीड जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए हम ये जो वैल्यू आई है -45 ये नहीं ले सकते। हमारा आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 40। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेन की स्पीड थी जिसको हमने x किलोमीटर पर आर बोला था उसकी वैल्यू कितनी आ गई है 40, ठीक है। तो ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आर। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।